गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, एक टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन आपका इस प्रकार से है, के किस मान के लिए m माइनस टू व्यंजक m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k का एक गुणनखंड है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। आपको एक व्यंजक दे रखा है m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का k बराबर 0, इसका एक गुणनखंड आपका m माइनस 2 है, तो k का मान बताना है। इस व्यंजक का एक गुणनखंड m माइनस 2 है, तो k का मान बताना है। तो m माइनस 2 बराबर हम लिख सकते हैं 0, यहां से डियर स्टूडेंट m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। अब m का मान डियर स्टूडेंट इस व्यंजक में रखेंगे तो आपको k का मान मिल जाएगा। तो m का मान रख देते हैं 2 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणे 2 प्लस का k बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस का 10 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप k की वैल्यू निकालोगे तो 6 मिल जाएगा। इस तरीके से k का जो मान होगा वो आपका 6 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको प्रत्येक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को भी, जो कि आपका लाभ एवं हानि से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में ऐसा डियर स्टूडेंट बोला गया है कि जो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वह 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितने परसेंट होगा ये आपको बताना है। तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य डियर स्टूडेंट वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने 4 वस्तुओं के कास्ट प्राइस को 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर कर दिया, तो यहाँ से आप कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालोगे तो मिल जाएगा आपको 3:4, यानी कि वह 3 वस्तुएं को खरीदता है और 4 में बेचता है, यानी कि 3 में खरीदकर वह 4 में बेचता है। क्यों? क्योंकि कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य उसका 3 है और विक्रय मूल्य उसका 4 है, यानी कि कोई भी वस्तु वह 3 रुपए में खरीदकर 4 रुपए में बेचता है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर? क्रय मूल्य 3 रुपए पर, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 33.1/3% आएगा, यानी कि जो लाभ परसेंटेज होगा वो आपका 33.1/3% होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से समझिएगा। सिंगल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैक्सिमम आप 2 से 3 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन दे रखा है डियर स्टूडेंट, आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट रूट ओवर 72 फिर माइनस का रूट ओवर 72 फिर माइनस का रूट ओवर 72 फिर माइनस का डॉट 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 इंफिनिटी तक दिया है, तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट करना क्या है आपको,
आपको 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 8 × 9 के रूप में। डियर स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि आपको उस संख्या का ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एक हो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि आपको दो संख्याओं के बीच ऐसे गुणा करना है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर एक हो। तो मैंने 72 को 8 × 9 के रूप में लिख दिया, यही 72 का अभाज्य गुणनखंड है। अब डियर स्टूडेंट, यदि आपके क्वेश्चन में माइनस है, यदि आपके क्वेश्चन में माइनस है तो जो दोनों में छोटी संख्या होगी वो आपका आंसर होगा। यदि आपके क्वेश्चन में माइनस है तो दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होगी वो आपका आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 8 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट, यदि इसी क्वेश्चन में माइनस माइनस के जगह पर प्लस प्लस कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा? तो इन दोनों संख्याओं में डियर स्टूडेंट जो बड़ी संख्या होगी वो आंसर होगा। तो 8 और 9 में बड़ी संख्या क्या है? 8 और 9 में आपका बड़ी संख्या 9 है, तो ए आंसर हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। यदि क्वेश्चन में माइनस है तो इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होगी वो आंसर होगा। यदि आपके क्वेश्चन में प्लस प्लस है तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वो आपका आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डियर स्टूडेंट, बोला है एक त्रिभुज का एक कोण आपका दे रखा है 3π/10 और दूसरा कोण आपको दे रखा है 66 डिग्री, तो तीसरे कोण की माप आपको रेडियन में बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी का जो मान होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। अब पहला कोण आपको दे रखा है 3π/10, यानी कि कोण ए का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 3π/10। उसके बाद से जो दूसरा कोण दे रखा है 66 डिग्री, यानी कि कोण बी का मान आपको दे रखा है 66 डिग्री। आपको कोण सी यानी तीसरा कोण सी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको हम डिग्री में चेंज करते हैं, तो 3 × π का मान 180/10 प्लस का 66 डिग्री प्लस का कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, तो 18 × 3 = 54 प्लस का 66 प्लस का कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिएगा 66 और 54 जोड़ोगे कितना होगा 110, तो 110 प्लस का कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट देखना, 6 × 4 = 10, 6 × 5 = 11 एक बार है 120 डिग्री होगा, 54 और 66 जोड़ोगे तो 120 डिग्री होगा। अब कोण सी का मान कितना आएगा, तो 180 में से 120 घटाओगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन जो आपको तीसरा कोण बताना है वो रेडियन में बताना है, लेकिन ये तो आपका डिग्री में है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, π/180 से गुणा कर दो, तो 60 से काटोगे 180 को तो 3 बार में जाएगा, यानी कि जो तीसरा कोण आएगा रेडियन में वो आपका π/3 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान सा ये भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस प्रकार से दे रखा है, x अक्ष के समांतर रेखा जो x अक्ष से b दूरी पर है तो उसका समीकरण क्या है ये आपको बताना है। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, x अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है y बराबर के रूप में होता है। तो x अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण जो दे रखा है वो आपका दे रखा है b दूरी पर है, तो y बराबर क्या हो जाएगा b, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर यदि क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि y अक्ष के समांतर, यही क्वेश्चन यदि y अक्ष के समांतर पूछा जाता तो x बराबर b होता है। तो ध्यान में रखिएगा,
अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि आपका एलसीएम एवं एचसीएफ से है। तो बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में डियर स्टूडेंट दे रखा है बहुपद px एवं qx के लॉसा तथा मौसा क्रमशः आपको दे रखा है 56 ब्रैकेट में x पे पावर 4 प्लस x एवं 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। यदि px बराबर आपको दे रखा है 28x क्यूब प्लस का 1, तो आपको qx की वैल्यू ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यह बोल रहे थे कि जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बचे दिनों की संख्या है वह बहुत कम है, तो एग्जाम डेट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि दो एग्जाम आपका 6 जून के आसपास होने वाला था, वही एग्जाम आपका 25 जून के बाद होगा, तो इस तरीके से 20 दिन और आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, और आपको अधिक समय मिल गया है, तो और अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको qx की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो आपने लॉसा एवं मौसम में मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ा रखा है कि आपका होता है px गुणे का qx बराबर आपका होता है lcm गुणे का आपका होता है hcm। जो px होता है वो पहला व्यंजक होता है, जो qx होता है वो आपका दूसरा व्यंजक होता है, बराबर होता है lcm गुणे hcf के रूप में। तो सारी वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको निकालना है qx का मान। तो यहाँ से आपका qx की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको मिल जाएगा lcm गुणे hcf डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा px के रूप में। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट जो lcm का मान आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 56 x पे पावर 4 प्लस का x के रूप में, और जो hcf का मान दे रखा है डियर स्टूडेंट वो आपको दे रखा है 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 के रूप में, उसके बाद से बटा यहां पर जो px का मान दे रखा है डियर स्टूडेंट वो आपको दे रखा है 28 x क्यूब प्लस का 1 के रूप में। यहां तक आपको क्लियर है, 28 से काट दो तो 28 दूना 56 हो जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा 2। अब देखिएगा x पे पावर 4 प्लस का x है, तो यहां से भी हम x कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी x कॉमन ले सकते हैं, तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो मिल जाएगा आपको x क्यूब प्लस का 1 इनटू का 4 है तो 4 रखो, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू आपका है x क्यूब प्लस का 1 के रूप में, तो x क्यूब प्लस 1 से x क्यूब प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2x का गुणा 4 में करोगे तो मिलेगा आपको 8x, अब ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 के रूप में, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को भी, जो कि आपका घातांक से क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, आपको x की वैल्यू दे रखा है डियर स्टूडेंट 2 पर पावर 1/3, x की वैल्यू दे रखा है 2 पर पावर 1/3, फिर प्लस का 2 पर पावर 2/3, फिर प्लस का आपको दे रखा है 2 के रूप में। तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 6x, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो x बराबर, अब देखिएगा सबके आधार समान है, तो इस पे पावर 1 हम लिख सकते हैं, तो सबके आधार समान है तो क्या होगा, घाते आपस में जुड़ जाएंगी, यानी आपका हो जाएगा 1/3 प्लस का 2/3 प्लस का 1 के रूप में। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पे पावर, यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ से आपका 1 प्लस का 2 प्लस का हो जाएगा आपका 3, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा क्या मिलेगा, 3 2 5 1 6, 6/3 करोगे कितना आएगा 2,
यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2 पे पावर 2, क्योंकि 3 2 5 1 6 और 6/3 आपका 2, यानी x की वैल्यू आपका 2 पे पावर 2 यानी कि कितना मिल जाएगा 4। तो x का मान आपने निकाल लिया 4। अब x का मान यहाँ पर रख दो तो 4 का क्यूब माइनस का 6 गुणे 4 का स्क्वायर प्लस का 6 गुणे 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिएगा 4 का क्यूब करोगे 64 माइनस का 4 चौक 16 6 का कितना होगा 96 प्लस का 6 चौक 24 बराबर आपको आ जाएगा 0। तो 24 और 64 आपका कितना होगा 88 होगा माइनस का 96 बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस का 8 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का डियर स्टूडेंट आपका माइनस का 8 सही आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको फिगर दे रखा है, नामकरण कर देते हैं ए बी सी और ए डी। आपको यहां पर दे रखा है x और यहां पर आपको दे रखा है 40 डिग्री और यहां पर आपको दे रखा है 120 डिग्री। आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहां पर आप ध्यान से देखिएगा तो एक आपका स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर जो बना कोण होता है कितने डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन पर जो बना कोण होता है डियर स्टूडेंट वो आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपका पूरा जो कोण है डियर स्टूडेंट, ये जो आपका पूरा कोण है वो आपका 180 डिग्री है। तो यदि आपका इधर का 120 है तो यह कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा पर आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। यदि आपका इधर का 120 है तो इधर का कितना होगा, इधर का आपका 60 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान आपका 180 डिग्री होता है। तो 40 यहाँ पर 60 यहाँ पर 100 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री। इस तरीके से x का जो मान आएगा वो आपका 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो x का मान होगा वो आपका 80 डिग्री होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को देखने में लग रहा है टफ है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट कार्ड 18 डिग्री, कार्ड 18 डिग्री इनटू का आपको दे रखा है कार्ड 72 डिग्री इनटू का आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, ये आपको दे रखा है प्लस का 1/tan 72 डिग्री, टेन 72 डिग्री इनटू का सेक स्क्वायर 68 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कॉट 18 डिग्री का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओ तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको कॉट 18 डिग्री इनटू का कॉट 72 डिग्री इनटू का कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस का हो जाएगा आपको कॉट 18 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा टेन 72 डिग्री इनटू का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 68 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काट 18 डिग्री का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट काट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट काट 90 माइनस का 72 के रूप में। काट 18 को हम काट 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, इनटू का आपका काट 72 डिग्री है ही, ये आपका कॉस स्क्वायर 22 डिग्री है ही प्लस का ये जो आपका काट 72 है इसको काट 18 इसको हम क्या लिख सकते हैं, काट 18 को हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस का 72 डिग्री के रूप में बट्टे
ये आपका है 1072 डिग्री इनटू का आपका हो जाएगा sec स्क्वायर 68 डिग्री। यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिए cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot 90 माइनस थीटा आपका होता है tan थीटा के बराबर, यानी 1072 डिग्री इनटू का आपका हो जाएगा cot 72 डिग्री इनटू का आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस का cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर, यानी 1072 डिग्री डिवाइडेड बाय 1072 डिग्री इनटू का sec स्क्वायर 68 डिग्री। यहां तक आपको क्लियर है? 1072 से 1072। अब देखिएगा 1072 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1072 को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 1 cot 72 के रूप में। तो cot 72 से cot 72 कैंसिल, तो यहां से देखिएगा cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस का यहां पर आपको मिला 1 sec स्क्वायर 68 डिग्री। तो 1 sec स्क्वायर 68 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 68 डिग्री के रूप में। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, यदि दोनों के त्रिकोणमिति फलन समान हो, यदि दोनों के त्रिकोणमिति फलन समान हो और दोनों कोणों का योग आपका 90 डिग्री के बराबर हो, यदि दोनों के त्रिकोणमिति फलन समान हो और दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसका मान आपका 1 होता है। तो देखिएगा दोनों कोणों का योग आपका 90 डिग्री के बराबर है और दोनों के त्रिकोणमिति फलन समान है तो इसका मान आपका 1 होता है। इसका मैंने आपको बेसिक भी बताया था, बेसिक ये है डियर स्टूडेंट cos स्क्वायर 22 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर 22 डिग्री को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर 90 माइनस का 68 डिग्री। जब cos स्क्वायर 90 माइनस 68 डिग्री को आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको sin स्क्वायर 68 डिग्री। तो sin स्क्वायर 68 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 68 डिग्री sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a के रूप में होगा जिसका मान आपका 1 आएगा। तो ठीक से ध्यान में रखिएगा, यदि दोनों के त्रिकोणमिति फलन समान हो और दोनों के कोणों का योग आपका 90 डिग्री के बराबर हो तो उसका मान आपका 1 होता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व करना है, जो कि आपसे त्रिकोणमिति से एक पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है sin a plus b into का sin a minus b का मान क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बताना है आपको sin a plus b into का sin a minus b का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सीधे मल्टीप्लाई कर लो ना, एक आपका a plus b के रूप में है, दूसरा आपका a माइनस बी के रूप में है। तो a प्लस बी और a ब्रैकेट में a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, यानी sin स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 है उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है x का क्यूब प्लस का 1 x का क्यूब माइनस का 5x माइनस का 5/x इसका गुणनखंड क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है ना, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को आप a क्यूब प्लस के b क्यूब के फार्मूला पर खोल दो। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab क्यूब। इसको आप जब खोलोगे a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में तो x प्लस 1/x मिलेगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस का एक के रूप में। और देखिएगा इन दोनों को ध्यान से समझिएगा, तो दोनों से आप माइनस का 5 कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको x माइनस का 1/x के रूप में।
माइनस का 5 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 अपॉन x के रूप में मिलेगा। माइनस 5 यहाँ से भी कॉमन, माइनस 5 यहाँ से, तो x प्लस 1 अपॉन x यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका है x प्लस 1 अपॉन x के रूप में, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 5 के रूप में। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपको मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 6 के रूप में। अब देखिएगा इस रूप में आपके ऑप्शन नहीं दिए, तो इसका और गुणनखंड कर सकते हैं, इसका क्या हम लोग और गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट ये आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 6 के रूप में है। तो यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट ध्यान से कैसे सॉल्व करना है, x प्लस 1 अपॉन x है। अब देखिएगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर का a अगर काम कर ले, a स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका हो गया। फिर उसके बाद से इसको माइनस का 2ab के रूप में लिखे, तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 कर ले और माइनस का 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 6 मैंने लिख दिया। अब होगा क्या, x प्लस 1 अपॉन x आपका एक ब्रैकेट में है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, क्योंकि यहाँ पर x गुणे 1 अपॉन x करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इसका हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में है, जिसको हम x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, माइनस का जो आपका 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के रूप में। अब देखिएगा ये आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b के रूप में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b के रूप में। तो फाइनली आपको मिल जाएगा x प्लस 1 अपॉन x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस का 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन x प्लस का 2। तो इस तरीके से यही आपका आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो पूरी वैल्यू है ये ए का काम करेगी, यह जो पूरी वैल्यू है वो आपका बी का काम करेगी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, तो ध्यान से समझिएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 भी, बिल्कुल सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा नल टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, कोई नल एक नल जो है 5 घंटे में भर सकता है, तो मैं मान लेता हूँ कि नल ए जो है टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, और जो दूसरा नल मैं मान लेता हूँ बी है जो कि टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और एक तीसरा नल लगा जिसको मैं मान लेता हूँ सी है जो कि टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए दोनों तो भर रहे हैं, जो खाली कर रहा है उसको मैं माइनस से डिनोट कर देता हूँ कि जो तीसरा नल जो है टंकी को 7.5 घंटे में खाली करता है। तो सबसे पहले हम टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं, तो 5, 10 और 7.5 का एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 30, 5 से कैंसिल आउट करो 30 को तो 6 आएगा, 10 से कैंसिल आउट करो 30 को तो 3 आएगा, और 7.5 से आप 30 को कैंसिल करोगे कितना आएगा, तो आपको आ जाएगा 4, यानी कि एक जो काम करने की क्षमता है वो आपका 6 है, बी के जो काम करने की क्षमता है वो आपका 3 है, और जो सी को पानी को बाहर निकालने की क्षमता है वो आपका है 4। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा, यानी कि नल ए जो है 6 की रेट से भर रहा है, नल बी जो है 3 की रेट से भर रहा है, और जो आपका नल सी है वह 4 की रेट से खाली कर रहा है। तो टोटल जो है टंकी भरना है 30 भाग, इस 30 भाग को भरने के लिए
ए बी और सी तीनों एक साथ आते हैं तो नल ए जो है 6 से भरेगा, नल बी जो है 3 से भरेगा और जो नल सी है वो आपका 4 की रेट से खाली करेगा। तो खाली कर रहा है उसको हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि 4 की रेट से खाली कर रहा है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा 30/6 3 9 9 में से 4 घटाओगे तो 5, तो 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 6 घंटा आ जाएगा। यानी कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी आपका 6 घंटे में भर जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास को एंजॉय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।